नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और बिहार की माटी के लाल सुशांत सिंह राजपूत ने जब से आत्महत्या की है, उसके बाद लगातार जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो मामला है, नया मामला निकल के आ रहा है मुजफ्फरपुर से। तस्वीरें आप देखते होंगे, मुजफ्फरपुर से खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वहाँ के जो निवासी हैं कुंदन कुमार ने फिल्म एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर परिवाद दर्ज कराया है, जिसमें कुंदन कुमार ने आरोप लगाया है। साफ साफ उन्होंने कहा है, कागज़ भी आप देख सकते होंगे, इसमें साफ साफ बताया गया है। जो वकील हैं वो भी आपको क्या कुछ कर हम सुनवाते हैं, लेकिन उन्होंने यह कह दिया है साफ साफ कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हिंदी फिल्म के जाने माने जो प्रसिद्ध अदाकारा हैं, उनको छल पूर्वक प्रेम जाल में फंसाकर अपने विश्वास के भरोसे में लिया और उनके साथ मानसिक और आर्थिक शोषण करती रही। साथ ही साथ उनके सहयोग से अपने फिल्म करियर में उछाल लेती रहीं और जब मकसद पूरा हो गया तब सुशांत सिंह राजपूत को अपने जीवन से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। क्या कुछ कह रहे हैं जिन्होंने परिवाद दर्ज कराया है कुंदन कुमार, जरा सुनिए। और उसके बाद उनके जो वकील हैं उन्होंने भी क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। आज हमने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दायर किया है हमारे माननीय अधिवक्ता महोदय के सहयोग से। विषय है बिहार के चमकते सितारे थे सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने बिहार के और पूरे स्टेट के साथ देश का भी नाम रोशन किया था। बहुत कम उम्र में अपने आप को रियल हीरो साबित कर दिया था हिंदुस्तान में। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एक धाक चल रही थी, वैसे युवक को टारगेट किया रिया चक्रवर्ती ने। क्योंकि बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान के युवक युवतियां आज पश्चिमी सभ्यता को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है और उसके तहत उनका पहनावा ओढ़ावा भी विकृत माइंड को शो कर रहा है और अपने आप को कामयाब करने के लिए किसी हद तक जा रहे हैं। अपना सर्वस्व भी खत्म करते हैं, अपने आप को सौंपना भी पसंद करते हैं ताकि उन्हें कामयाबी मिले। ये हिंदुस्तानी सभ्यता का सबसे बड़ा दुखद घड़ी अभी देखने को मिल रहा है। रिया चक्रवर्ती ने भी वही काम किया, सुशांत सिंह राजपूत को अपने प्रेम जाल में फंसाया और तब तक यूटिलाइज उनका करती रही जब तक इसका मकसद पूरा नहीं हो गया। जैसे ही मकसद पूरा हुआ, अप्रैल महीने में सुशांत सिंह राजपूत को दूध की मक्खी की तरह अपने जीवन से निकाल दिया। जबकि इसी साल सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की शादी होने वाली थी, लेकिन अंदर की बात कुछ और थी। रिया चक्रवर्ती को यह शादी कभी मंजूर नहीं था, वो तो एक साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत को फंसाई थी। अब देखिए कि शादी करना है तो उसने अलग अपना लाइफ कर ली इनसे, और उसे पता था कि जैसे ही हम अलग होंगे सुशांत सिंह राजपूत से, वो इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। फिर उसने कुछ ऐसा उकसाने का काम किया ताकि सुशांत सिंह राजपूत आक्रोश में, आवेश में आकर के, डिप्रेशन में आकर के अपना जीवन लीला खत्म कर ले, और उसका ये चाल जो है पूर्ण रूप से सक्षम हुआ। सुशांत सिंह राजपूत ने अपना जीवन लीला खत्म कर लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया है, इनडायरेक्ट रूप से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है। मैंने अधिवक्ता महोदय से कहा कि श्रीमान रिया चक्रवर्ती पे 302 का केस चलना चाहिए। अधिवक्ता महोदय ने कहा कि ऐसा कानून में कोई प्रोविजन नहीं है। तो हम बोले कि जो कानून कहेगा मैं कानून के अनुसार ही चलूँगा, लेकिन मेरे समझ से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा रिया चक्रवर्ती फिल्म अदाकारा के विरुद्ध यह मुकदमा लाया गया है। परिवादी का मानना है कि रिया चक्रवर्ती छल कपट का सहारा लेकर के सुशांत सिंह राजपूत को पहले अपने ये प्रेम जाल में फंसाई और उनका दोहन की मकसद पूरा हो जाने पर वो अपने जीवन से उसको निकाल दी, परिणाम स्वरूप सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर लिए। यानी रिया चक्रवर्ती ने उन्हें उकसाने का काम किया है और इस लिहाज से वह 306 भादवी की धारा के लिए जिम्मेवार है, जिसमें अधिकतम अगर मुकदमा साबित करने में परिवादी सफल होते हैं तो 10 वर्षों तक की सजा हो सकती है। सुनवाई की तिथि अगली कब? सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 24/6/2020 को न्यायालय द्वारा मुकर्रर की गई है। तो आपने सुना मुजफ्फरपुर में किस तरीके से जो बातें निकल के आ रही हैं। साफ साफ आपको पता होगा रिया चक्रवर्ती से लगातार जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। 6 घंटे से अधिक का समय बीत जाता है, पुलिस उनसे पूछताछ करती है, कई सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं। और अभी पूछताछ का जो सिलसिला है वो आगे कब तक चलेगा हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन जाँच पुलिस कर रही है और हर वो व्यक्ति जिस पर शक जा रहा है वहाँ पर पुलिस पहुँच जा रही है। ऐसे में अब जब मुजफ्फरपुर में यह परिवाद दर्ज हुआ है, उसके बाद देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ मामला और सामने निकल के आता है। क्योंकि बिहार में जो
लगातार मामले हैं वो तेज़ी से उजागर हो रहे हैं, खास करके सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के। जो लोग हैं, जो उनके फैंस थे, वह काफ़ी निराशा में हैं और वह जो दोषी हैं उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।